नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे HLE ग्लासकोट के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक में फंसे थे। आज की बात करें तो लगभग इस स्टॉक में 10% के आसपास तेजी में था। क्यों दोस्तों तेजी में था, जो कि मेरे पॉइंट से रहेगा, मैं अपने पॉइंट से बात करूंगा। न्यूज भी जो होगा दोस्तों तो कवर करेंगे। अगर जिसको लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप चाहे तो वीडियो को जो है कि बंद करके जा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं, बहुत सारे ट्रेडर इस तेजी को देख करके बाइंग करने के बारे में विचार करें, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सारा कुछ जो है कि डिस्कस कर लेंगे। ग्लासकोट के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें दोस्तों, फिर भी देखा जाए तो आखिरी क्षण में इस स्टॉक में लगभग 7% के आसपास तेजी में है। कंपनी की बात करेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक जो है कि आप यहां पे अगर हाई देखेंगे आज का कंपनी का, तो 700 के ऊपर कंपनी का हाई था। लो की बात करें तो 642 का है। अगर दोस्तों ऑल टाइम हाई की बाउंड भी हाई की बात करेंगे तो यहां पे देखेंगे बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक में फंसे। लगभग ये स्टॉक 50% के आसपास डाउन है। 600 का कंपनी का लो भी है। इस कंपनी में बात करें दोस्तों तो 5 दिन का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 5 दिन में वही 7%, मतलब आपसे बताते इसके पहले ये कंपनी नहीं चल रही थी। 1 महीने की बात करेंगे तो 1 महीने में भी वही फ्लैट कारोबार, इसके पहले आप देख सकते हैं ये कंपनी नहीं चल रही थी। 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया, देखा जाए तो निगेटिव ही है। यहाँ पर अगर वाई टू डेट की बात करेंगे तो लगभग 40 से 41% ये कंपनी डाउन है। लेकिन हाँ, इस कंपनी की बात करेंगे दोस्तों तो ये कंपनी कई दिनों से जो है कि एक फ्लैट कारोबार कर रही है। अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक वाई फ्लैट कारोबार। यहाँ पे 1 साल की बात करें तो 1 साल में 43% के आसपास ये कंपनी डाउन है। 5 साल की बात करें दोस्तों 5 साल में 72%। दरअसल देखा जाए तो ये NSE का चार्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये NSE का चार्ट है। BSE पे इसका थोड़ा लॉन्ग टाइम का आपका चार्ट मिल जाएगा। मैगजन चार्ट पैटर्न की बात करें दोस्तों तो वही 70 क्लास कोड की बात करें दोस्तों तो यही 6-7% के आसपास तेजी। कंपनी की बात करें तो 21 जनवरी 2022 को 13-1400 के आसपास कंपनी हाई लगाती है। ये देखा जाए तो एडजस्टेड प्राइस है कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद। 600 रुपये कंपनी का लो है 4 जुलाई 2022 को। कंपनी की बात करें दोस्तों तो आज के दिन इस स्टॉक में अगर वैल्यूम की बात करें तो लगभग 3.25 लाख के आसपास ओनली NSE पर टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा तो 32% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में कुछ भी नहीं है, मतलब देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं है। फिर भी देखा है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिसेंट में ही कंपनी ने 18 अक्टूबर को जो है कि स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, जितना भी प्रमोटर के पास स्टेक है आप देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे जो है कि दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब दोस्तों आपसे बता दें, बहुत सारी ऐसे स्टॉक है जिसमें देखा है तो NSE पे कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं। चलिए ग्लासकोट की बात करें तो ये कंपनी देखा जाए तो एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस कंपनी का शुरू से ही है। इस कंपनी की बात करें तो 52 हाई से ये कंपनी लगभग आप देख सकते हैं 50% के आसपास डाउन है। कंपनी की बात करें तो NSE प्लस BSE पे टोटल वैल्यूम की बात करें तो लगभग 4 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुए हैं। लेकिन हाँ, इस कंपनी में अगर वैल्यूम की बात करेंगे दोस्तों तो वैल्यूम के बाद भी देखा जाए तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम भी नहीं बनते थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं लगभग 35,000, 23,000, 20,000, मतलब दोस्तों आपसे बता, जितना भी वैल्यूम बनते थे लगभग 60% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 55%, 66%, 67%, 61%, 56%, मतलब दोस्तों आपसे बताते हैं इस स्टॉक में वैल्यूम ही ज़्यादा नहीं बनते थे। आज की बात करें तो आज इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम भी बना है, जो कि देखा है तो 4 लाख शेयर टोटल ट्रेडर दोस्तों इस स्टॉक में ऑलरेडी फंसे हैं। कुछ ट्रेडर इस स्टॉक की तेजी को देख करके हो सकता है कि बाइंग करने के बारे में विचार करें। तो हम बताना चाहते दोस्तों ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी ग्लास लेक इक्विपमेंट में काम करती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड फिल्टर एंड डायर इक्विपमेंट में भी कंपनी काम करती है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो इनके पास देखा जाए तो फिल्टरेशन एंड डायर से जो है कि डिवीजन से 35% का रेवेन्यू आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन इनका जो मेन कंपटीटर है दोस्तों GM फोडलर है, जो कि 50% का मार्केट कैप वही करके रखा है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये 5,000-4,000 करोड़ के आसपास जो है कि इसका मार्केट कैप, मतलब दोस्तों ये कंपनी एक रिस्की वॉलेटाइल के मामले में ये कंपनी रिस्की कंपनी है। मतलब इस कंपनी में अगर तेजी आती है दोस्तों तो 8-10% की तेजी भी आएगी। अगर गिरावट होगी दोस्तों तो उसी प्रकार से गिरावट भी होती है। करंट प्राइस की बात करेंगे तो उस कंपनी का वही 700 के आसपास करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करें तो 1347 का कंपनी का हाई है, जो कि बाउंड भी हाई है। लो की बात करें तो 600 का दोस्तों PE देख सकते हैं, थोड़ा सा कंपनी का हाई है, जिसके कारण देखा जाए तो मार्केट में, मतलब क्या है दोस्तों, अगर कुछ कोई मतलब रीजनेबल PE पे कोई स्टॉक अवेलेबल रहता है, कोई हाई PE पे अवेलेबल रहता है दोस्तों, तो हो सकता है कि जो हाई PE वाले स्टॉक रहते हैं दोस्तों उसमें से प्रॉफिट बुकिंग होती है, रीजनेबल PE वाले में जो है कि लगाया जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 43 का बुक वैल्यू, डिविडेंड की बात करें कुछ कंपनी पे करती है, ROCE देखा जाए तो बेस्ट ही है। दो का फेसबुक की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये कंपनी एक डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है, जैसा कि आप इसके कंपटीटर भी देखेंगे दोस्तों तो बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर है, हिंदुस्तान एरोमेट, थार्मेक्स, भारत डायनेमिक, GM फोडलर, मतलब दोस्तों आपसे बता दें कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। और अगर आप इसके PE को भी देखेंगे दोस्तों तो सबसे हाई है। यहाँ पर अगर 80 देखेंगे और यहाँ पर 80 दोस्तों देखेंगे तो किसी का भी नहीं है। मतलब दोस्तों आपसे बता देते 50% का मार्केट कैप GM फोडलर के पास है, जिसका देखा जाए तो उसका भी जो है कि 55 के आसपास। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस पे जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम उसी प्रोफेशनल में है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों बेसिस पे डाउन है। नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो बहुत सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं जिसके कारण कंपनियों के जो है कि नेट प्रॉफिट डाउन होते हुए दिखते हैं। कंपनी की अगर पीएनएल की बात करें तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का सेल्स देखा जाए तो ग्रोइंग मोड में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा जाए तो ठीक ठाक है, एक फ्लैट कारोबार कर रहा है 3 साल से। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा जिस हिसाब से कंपनी दोस्तों ये कंपनी देखा जाए तो कंपटीटर के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही छोटी कंपनी। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ कंपनी का घटते हुए दिख रहा है, लेकिन हाँ टीटीएम में देखा जाए तो कुछ अच्छा दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों टीटीएम में कंपनी माइनस में चली गई, फिर भी देखा जाए तो लॉन्ग टाइम में 30-50% के आसपास है। कंपनी के सीजीआर की बात करें तो ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी बना के देती है। एक साल वाली इस कंपनी से परेशान है, लगभग 50% कंपनी डाउन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों तो कंपनी का 20-30 के आसपास है। अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों तो कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो बहुत ही छोटी कंपनी, लगभग 300 करोड़ का रिजर्व है। डेट की बात करेंगे 200 करोड़ का डेट भी है। जो इन्वेस्टर दोस्तों फंसे हैं अभी तक देखेंगे तो प्रमोटर ने कुछ भी शेयर को जो है कि सेल नहीं किया, 4 क्वार्टर से सेमी होल्डिंग रखा है। एफआईएस की बात करें दोस्तों एफआईएस ने कुछ माल को सेल कर दिया, पूरी तरह से जो है कि एग्जिट नहीं लिए। डीआईएस की बात करें दोस्तों डीआईएस ने भी कुछ सेल कर दिया, लेकिन ऐसे में देखेंगे पब्लिक की बात करें दोस्तों पब्लिक ने माल को एक्युमुलेट किया। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि पब्लिक को देखा जाए दोस्तों तो क्या है कि कभी भी कोई निचले प्राइस पे आता है तो वो क्या करते हैं, ओरिजिन करते हैं। कोई बात नहीं, स्टॉक की बात करें दोस्तों आपके अंदर क्या है कि मेन पेशेंस होना चाहिए। किसी भी स्टॉक में क्या है कभी भी गिरावट होती है, स्टॉक मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे जो है कि किसी भी बात की जो है कि 100% की गारंटी नहीं। इस स्टॉक में दोस्तों अपने को करना क्या है और तेजी क्यों थी दोस्तों बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले जो है कि किसी भी स्टॉक में तेजी आने का मतलब क्या है दोस्तों कि वैल्यूम की बात करें तो इसके पहले इस स्टॉक में जो है कि वैल्यूम नहीं बने थे, जो कि मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूं। आपको जो भी रीजंस मिले आप चाहे तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन ऐसे में दोस्तों बता चाहिए वैल्यूम सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी स्टॉक में तेजी लाने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में दोस्तों गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि 600 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है, क्योंकि दोस्तों हमने आपको दिखाया कि इसके जो कंपटीटर दोस्तों अभी उनका जो है कि रीजनेबल पी है, रीजनेबल प्राइस है, जिसके कारण हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों आपको देखने को हो सकता है थोड़ी सी मिल सकती है। अगर दोस्तों ये स्टॉक में तेजी आएगी, तेजी आने के अभी मेरे पॉइंट से देखा जाए तो बहुत ही कम चांस है, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं आज के दिन ही जो तेजी दिख रही है ना आपको 8-10% की, किसी भी ट्रेडर्स को दोस्तों क्या है कि बहुत दिन हो जाते हैं बहुत सारे स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडर्स को क्या चाहिए दोस्तों हर किसी स्टॉक में एक मतलब क्या है कि एक नए स्टॉक में जो है कि वो बाइंग सेलिंग करना चालू करते हैं। मतलब दोस्तों आप देखेंगे तो एक महीने में इस स्टॉक में कुछ भी तेजी नहीं, मतलब दोस्तों आपसे अगर 6 महीने को भी चार्ट देखेंगे 6 महीने में स्टॉक एक फ्लैट कारोबार किया है। ऐसे में दोस्तों ये देखेंगे तो एक 800 रुपये पर चलने वाला स्टॉक उसको गिरा के मतलब एक निचले लेवल पर लेके आया गया, उसके बाद देखा तो ये वही 600 और 700 की प्राइस पर दोस्तों चलने वाला स्टॉक, मतलब आपसे बताना चाहते हैं कि 600-700 की रेंज में ही चल रहा था। तो देखा जाए दोस्तों तो जब भी कोई भी क्या है चार्ट जो है कि फ्लैट हो जाता है तो उस स्टॉक पे कभी भी देखा जाए तो एक तेजी आती है, डाउन होने के बहुत ही कम चांस होते हैं दोस्तों। कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट पेश हो, कोई ऐसी न्यूज आ जाए तभी जो है कि स्टॉक डाउन होता है। ऐसे में अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो हो सकता है कि 600 के नीचे ट्रेड कर सकता है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों जल्दी ये स्टॉक 800 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।